बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 9th क्लास जनरल मैथ के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड या सरगोधा बोर्ड। बेटा, ये इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़ीसद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है। अब बेटा, इसका क्या मतलब है? इसके नीचे चार आंसर दिए हुए हैं, 10 में से, 100 में से, 6 में से, 1000 में से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला, 100 में से। उसके बाद 1500 का 30% है, इसको बेटा आपने कैलकुलेट करके इसका भी आंसर चार नीचे दिए हुए हैं, आपने करेक्ट आंसर बताना है। बेटा, इनके बारी बारी आंसर बताने के बजाय लास्ट पे मैं आपको सबके आंसर जो है बता दूंगा, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। तो आप क्वेश्चन देखते जाएँ। थर्ड वाला है, रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, ये बताना है। नीचे आंसर दिए हुए हैं, आपने बेटा इनको साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आंसर भी इनको मैं लास्ट पे, इस वीडियो के लास्ट पे आपके साथ इनके आंसर भी शेयर कर दूंगा। इसी तरह ये 4 वाला है, ये 5 वाला है, ये 6 वाला है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसी तरह सो ऑन बेटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, 21 है, 22 है, इसी तरह सो ऑन है बेटा। ये टोटल हमारे पास जो है, हमारी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं बेटा, वो 100 एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इनको बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह पेपर में आपके बहुत काम आएंगे। ये 28, 29, 30 है, 31, 32, 33 है, 34 है, 35 है, 36, 7, 8, 39 है, उसके बाद 40 है। नेक्स्ट बेटा 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45, 46, 7 है, 48 है, इसी तरह 49 है, 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, सो ऑन बेटा आपके पास। इनको बेटा आपने साथ साथ जो है ना अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है। अगर बेटा आप 10 मिनट इनके ऊपर लगा लें तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ये बेटा 60 आ गया, 61, 62, 63, 64 है, 65 है, 66 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 70 है, 71, 2, 3, 4, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79, उसके बाद 80 है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, आगे 90 है। नेक्स्ट बेटा 91, 92, 93, 94 है, 95 है, 96, 7, 98, 99 और ये हमारे पास 100। ये टोटल बेटा हमारे पास 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेटा ये नीचे इनके आंसर भी गिवन दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले का बी वाला आंसर है जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका था, इसी तरह सेकंड वाले का सी है, थर्ड वाले का बी है, फोर्थ वाले का डी है, सो ऑन बेटा। ये टोटल आपके सारे एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी दिए हुए हैं, लास्ट पे जो 98 है उसका ए है, 99 का बी है और 100 वाले का क्या है बेटा, बी वाला आंसर है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला है। तो ये बेटा आपकी जनरल मैथमेटिक्स की जो 9th क्लास की बुक है आर्ट्स ग्रुप की, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, ताकि वो भी पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।